देखिए आज हमने गांधी मेडिकल कॉलेज के नई बिल्डिंग का जो जिसमें हमने अभी ट्रायल रन के रूप में पीडियाट्रिक हमारे डिवीजन को शिफ्ट किया है उसका जायजा लिया है, उसकी समीक्षा की है। हम जल्द से जल्द मैटरनिटी का जो डिवीज़न है जो सुल्तानिया अस्पताल में लगता है उसको भी यहाँ शिफ्ट करने वाले हैं। ये भोपाल की जनता के लिए एक बड़ी सहूलियत होने वाली है क्योंकि अभी दोनों डिवीज़न अलग अलग कैंपस में और दोनों के बीच में लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है और इसीलिए निश्चित किया गया है कि हम मैटरनिटी जो डिवीज़न है वो भी यहाँ पर लेके आएंगे और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उसमें बिस्तर भी बढ़ा रहे हैं। अभी लगभग 225 बिस्तर हैं, उसको हम 300 बिस्तर तक लेके जा रहे हैं तो उससे निश्चित रूप से भोपाल की जनता को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। बच्चों को भी जल्द से जल्द, खासकर न्यूली बॉर्न जो बच्चे हैं उनको इलाज मिल सकेगा। इसकी सभी व्यवस्थाओं की आज मैंने समीक्षा की है। हम जल्द से जल्द कैलेंडर हमने जो बनाया है उस हिसाब से व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो सके उस पर काम करेंगे और हमने ये सुनिश्चित किया है कि अब पूरा हमारा अस्पताल HIMS सिस्टम पर चलेगा। पूरा सभी व्यवस्थाओं को कंप्यूटराइज किया जा रहा है, पर्चे बनने से लेकर दवाई के वितरण तक, OPD IPD से लेकर हर डॉक्टर की जो विजिट है वो तक कंप्यूटर में दर्ज हो और उनके सभी दिशा निर्देश भी कंप्यूटर के माध्यम से दर्ज हो, जिसमें हम सभी हमीदिया अस्पताल में, गांधी मेडिकल कॉलेज में आने वाले हर मरीज का, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर मरीज का डिजिटाइजेशन हो, हर मरीज की पूरी तरह से जो स्वास्थ्य की हिस्ट्री है वो दर्ज कर सकें, उस पर हम काम करेंगे और आज हमने दौरा किया है और जल्द से जल्द हम इस व्यवस्थाओं को और चुस्त दुरुस्त करेंगे। देखिए पिछले 24 घंटे में लगभग